बारिशों के बाद ना आसमान मतलब क्या बताऊँ, रिफ्रेशिंग हो चुका है। चाहे सुबह हो या शाम, इतना प्यारा लगता है सिनेरियो, क्या बता। तो ये सब देखते देखते घर के काम भी शुरू हो जाते हैं, दिन की शुरुआत हो जाती है। तो आज सुबह हो गया है, कई दिनों से मेरे हस्बैंड ट्रिप पे गए हुए हैं। 3 दिन आई थिंक थे, नहीं, मंडे को निकले थे, थर्सडे को आए हैं। तो इसी बीच मैंने उतना अच्छे से वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया, क्योंकि समझ सकते हो पूरा अकेले बेबी को संभालना, देन घर का काम करना। और एक्चुअली ये तो वेनेसडे का वीडियो है। उस दिन खाना वगैरह मैंने स्पेशल कुछ नहीं बनाया था, बस मेरे और बेबी के लिए खिचड़ी एक साथ बना दी थी। और कर्ड तो घर पे रहता ही है, एवरीडे मैं उसके डाइट में कर्ड ऐड करती ही हूँ। तो इसीलिए सोचा ये थोड़ा डस्टिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। और ये बेड के एकदम साइड में है, तो इसमें अगर थोड़ी भी धूल जम जाती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत दिनों से हो भी नहीं रहा था। और ये जो कुछ ऑयल वगैरह है बेबी का है, तो मैं डेट वगैरह देख रही थी, देखकर उसे ठीक ठाक से रख दूंगी, या फिर कुछ फेंकना होगा तो फेंक दूंगी। उसके बाद बेबी को नहलाया, सब कुछ करवाया, खाना खिलाया, अभी वो सो रहा है। मैंने भी अपना लंच वगैरह कर लिया था। देन मुझे लगा कि फ्रीजर भी बहुत दिनों से डीप क्लीन नहीं हुआ है, वो भी थोड़ा कर लेती हूँ। तो एक बाउल में मैंने बेकिंग पाउडर एंड ऑल्सो थोड़ा नींबू का रस मिक्स करके उसे कपड़ों को अच्छे से भिगो के मैं अच्छे से पूरा साफ़ कर रही हूँ। और इससे क्या होता है, फ्रिज में कोई स्मेल वगैरह नहीं रहती। मैं तो वैसे ही आधी नींबू ना कट करके इसमें रख देती हूँ, तो फ्रिज में कोई भी स्मेल नहीं रहती है। और जो भी खाना रखती हूँ ढक के रखती हूँ, जो भी दही हो गया या फिर कुछ भी है, मैं ढक के रखती हूँ, तो इसलिए मेरी फ्रिज में स्मेल नहीं होती। और बीच बीच में मैं इसे क्लीन करती रहती हूँ, तो इसीलिए साफ़ रहता है। क्योंकि फ्रिज में खाना रहता है, तो उसे तो साफ़ करना चाहिए। और एवरी वीक जो सब्जी आती है, जो फ्रेश है, जो पुरानी है, वो सब मैं मेंटेन करती हूँ। तो इससे मेरा फ्रिज क्लीन रहता है और खाना भी फ्रेश रहता है। और ट्राई करती हूँ, मैं ज़्यादा पुराना खाना नहीं खाती हूँ फ्रिज में रखकर खाना, वो मेरे हैबिट में नहीं है। जब बहुत मजबूरी होती है, लाइक हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह देना पड़ता है, डेट टाइम ओनली मैं फ्रिज में खाना रखती हूँ। क्योंकि बेबी है, इसीलिए मैं जब बेबी मेरा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये भी मैं छोड़ दूँगी, एकदम फ्रेश फ्रेश बनाऊँगी। और बेबी को तो हर टाइम मैं फ्रेश ही खिलाती हूँ, फ्रेश बना के फ्रेश करती हूँ। तो जो भी हो, ये सारा काम करने के बाद बहुत थक गई थी, तो थोड़ा रेस्ट लेने गई थी, पर बेबी उठ गया था। तो बेबी के साथ ही थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, देन बेबी को शाम को घुमाने लेकर जाना और दोपहर को घुमाया, मतलब सुबह के टाइम बेबी का पूरा खाना बनाना, तो ये सब अकेले अकेले हो रहा था। उसके पापा रहते हैं, तो फिर भी शाम के बाद का थोड़ा टाइम पापा के पास रहता है, तो उस टाइम पर मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। उसी बीच यूट्यूब वीडियो बनाना, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन का वीडियो एक साथ बनाया है। तो ये था जिस दिन उसके पापा आने वाले हैं, उसके आगे का दिन। तो ये सब करने के बाद एक रहती है घर पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके ऊपर सब कुछ है, तो आपको टाइमली सब कुछ मेंटेन भी करना है, इसलिए आप अपने आप को भी ठीक ठाक रखना है। तो मैं जब भी थोड़ी बुखार होती है या फिर हेडेक होता है, मैं ना थोड़ी कोशिश करती हूँ मेडिसिन ले लेने की, क्योंकि मेडिसिन ले लेंगी तो फिर मतलब तबीयत ठीक ठाक रहेगी। एकदम पूरी तबीयत ख़राब करने का रिस्क मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि देखभाल करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है और बेबी को संभालना है। बेबी अगर क्रैंकी हो जाएगा, तब आपकी तबीयत जितनी भी ख़राब हो, आपको उसको लेकर संभालना ही पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा भी रिस्क नहीं लेती हूँ। थोड़ी सी भी ख़राब लगती है तो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। बाहर से भी अच्छे से कोलिन डालकर मैंने साफ कर लिया, एंड ताकि फ्रिज देखने में भी ठीक ठाक रहे। और चीज़ें जब अपनी होती है ना, तब और भी ध्यान रखने का मन होता है। तो बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है, मैं साफ़ करती रहती हूँ। और आपका बेबी मतलब ये कर रहे, वो कर रहे, आस पड़ोस के कुछ लोग हैं वो आपको बोलेंगे, अच्छा आपका बेबी इतने साल का है तो ये कर सकता है शायद, या फिर मेरा बेबी इतने साल का था तो ये कर लेगा, ये करता था। तो ये सब आप जब सुनोगे ना, बस अपने आप को पेशेंस में रखना है, क्योंकि सब बेबी एक नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि सब बेबी एक नहीं है, आपके घर के बड़े जो हैं या फिर आस पड़ोस के लोग, ये आपको अक्सर कहते रहेंगे। बस आप डॉक्टर की बात सुनो और ये देखो आपका बेबी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और जो भी है, बेबी अपने आप सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है, सब कुछ सीख जाता है, बेबी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। पर हाँ, सब बच्चे अलग होते हैं, कोई बच्चा
बातें जल्दी सीखता है तो कोई बच्चा चलना जल्दी सीख जाता है, ये मैंने अपने आप से एक्सपीरियंस किया ये है। इतना ध्यान रखो, डॉक्टर अगर ठीक बोल रहे हैं आपका बेबी एक्टिव है बस, और किसी की बातों को सुनने का कोई मतलब ही नहीं है, बस एक ही जवाब दो, सब बच्चे एक हैं। तो बेबी आजकल बाहर निकलता है, थोड़ा बहुत वॉकिंग करना चाहता है, तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बेबी वॉकिंग कर रहा है, अपने आप में बहुत मज़े कर रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश होती हूँ। तो उसे अभी अकेला चलना दूसरे बच्चों को देखता है तो अच्छा लगता है, पर ज़्यादातर गोदी में चलता है, पर कभी कभी उसका जो फेवरेट प्लेसेस होते हैं ना हमारी सोसाइटी में है, तो वहाँ पे वो अकेला चलता है। और ये शाम का टाइम है, इस दिन इसके पापा आ गए थे, नेक्स्ट डे है ये, तो पापा आ गए हैं तो बहुत मज़े हैं बेबी के। बेबी बहुत मिस कर रहा था अपने पापा को, मतलब रात को नींद से उठते उठते भी वो मिस कर रहा था। तो हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ा घूम के आते हैं, फैमिली क्वालिटी टाइम मिला के आते हैं, क्योंकि इन दिनों हस्बैंड बहुत बिजी रहते थे तो कहीं पर भी जाना नहीं होता था। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग बाहर डिनर करने आए हैं, थोड़ा पंजाबी तड़का टेस्ट करना था, तो पंजाबी जंक्शन में आए हैं यहाँ पे। पर यहाँ का खाना उतना भी अच्छा नहीं था, हमारे सोसाइटी के नीचे ही है, पर डी सैफरन करके जो है ना वो बहुत अच्छा है। और इसके बाद थोड़ा मूवी वगैरह देखा घर आके, क्योंकि दोपहर को अच्छे से सोए थे, शाम को बेबी को लेकर बाहर निकले थे, फिर बेबी आगे जब सो गया फिर देन हम लोगों ने एक मूवी इन्जॉय की, और इसका नाम मैं आप लोगों को बता दूंगी स्क्रीन पे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर बहुत अच्छी थी। मैं कभी ये मूवीज़ वगैरह ना देखती रहती हूँ। एक दिन तो मैं ऐसा अपना दिया था, पूरा दिन मैं मूवी वगैरह देख रही थी, मैं अपनी एनर्जेटिक लाइफ को फिर से बैक करना चाहती थी, क्योंकि बहुत ही एनर्जी लॉस लग रहा था। बेबी के लिए दलिया की खिचड़ी मैं घर से बना के, और हमारे लिए अमृतसरी कुलचा, स्टफ नान एंड मलाई कोफ्ता ऑर्डर किया था, और जाने के टाइम एक पेस्ट्री, पाइनएप्पल पेस्ट्री लेकर गए थे जो हस्बैंड का फेवरेट फ्लेवर है, और पेस्ट्री मुझे जो भी हो पसंद है। तो बस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई कुछ के साथ। बाय बाय एवरीवन।